कहाँ रह गई प्राची? प्राची तुम एक बार फिर से सोच लो, तुम्हें ये करना है क्या? मैं नहीं चाहता। पर मैं करना चाहती हूँ, मन की शांति के लिए। किसके मन की शांति के लिए, तुम्हारी या प्रिया की? रणवीर प्लीज, तुम कह रहे हो ना कि तुम मेरे डिसीजन में मेरे साथ हो, तो प्लीज बिना कोई सवाल किए मेरा साथ। प्राची तू चिंता क्यों कर रही है, हम सब तेरे साथ है ना। आई नो सब मेरे साथ है, आई नो सबको मुझ पे भरोसा है, बस एक को छोड़ के, रिया को डाउट है ना मुझ पे। तो उसका डाउट है ना यार, उसका जो मन में है वो करने दो ना उसको, उसके डाउट के लिए तुम क्यों कर रही हो? रिया हमारे सामने सबूत पेश कर रही है, बट आई एम श्योर वो सबूत वो खुद इकट्ठा नहीं कर रही, कोई है जो उसके लिए सबूत इकट्ठा कर रहा है, अरेंज कर रहा है, और वो इंसान तभी चुप बैठेगा जब हमारे पास कोई ठोस सबूत हो। इसीलिए प्लीज ये जो टेस्ट है ना, डीएनए टेस्ट, ये करना बहुत जरूरी है। आई नो रणबीर, यू ट्रस्ट मी, तुम्हें मुझ पे भरोसा है, एंड आई एम इटर्नली ग्रेटफुल फॉर दैट, बट प्लीज अंडरस्टैंड ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझ पे कोई उंगली उठाए सवाल करे आई डोंट केयर, पर हमारे बच्चे को लेके कोई सवाल उठाए तो मैं सुन नहीं पाऊंगी, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं भी कभी नहीं सुन पाऊंगी। मैं भी नहीं। Let's do this. Let's go. आरिन एक बात बताओ, तुम कल अचानक से कहाँ गायब हो गए थे? अरे हाँ सॉरी यार, मुझे पता नहीं था घर में इतना कुछ चल रहा है, वरना मैं जाता ही नहीं कभी। अरे तू गायब हुआ कहाँ था लेकिन? अरे यार वो मिली का ना उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ झगड़ा हो गया था, मैं वो सॉर्ट करने गया था। मिली और उसका बॉयफ्रेंड? मिली तेरी गर्लफ्रेंड है ना? हूँ, लेकिन मिली वैसी वाली गर्लफ्रेंड नहीं है यार। वैसी वाली मतलब? वैसी वाली मतलब शादी वाली गर्लफ्रेंड नहीं है यार, वो बस थोड़ा मतलब डेट शेट, थोड़ा दोस्ती यारी, मस्ती, यू गेट दैट ना? व्हाट? नहीं, मुझे लगा ही था कि तुम जैसी लड़की की गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती है। एक सेकंड, क्या मतलब है इस बात का? अब वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। नहीं नहीं बताओ ना, क्यों नहीं बताओगी, बताओ। तुम्हें बुरा लग जाएगा इसलिए मैं नहीं बोलूं। अरे नहीं लगेगा बुरा, शुरू करिए तो बताओ। क्यों बताऊं, नहीं बताना चाहती मैं। तुम्हारे जिस लड़के का क्या मतलब है, बच्चा लड़का नहीं हूँ क्या? ब्रो बता ना, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती क्या? मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती है। मेरी कॉफी कहाँ है? हाँ बस अभी लाई। मैंने फिर बात बढ़ा दी, सिड वाली बात अभी चल ही रही थी कि डीएनए वाली बात हो गई। मुझे बात को इतना खींचना नहीं चाहिए था, डीएनए टेस्ट हो गया तो उसमें सब प्राची के फेवर में आ जाएगा। महुआ थोड़ा डाइनिंग टेबल पर भी ध्यान दो, एक भी फ्रेश फ्रूट नहीं है वहां पर। अभी के अभी जाओ मार्केट और फ्रेश फ्रूट्स लेकर आओ। गो। जी। कल जो सिद्ध वाली कहानी तुमने सबको सुनाई थी, क्या वो सच है? ये बात अब मुझसे अब क्यों पूछ रही है? पूछना ही था तो कल रात को पूछती सबके सामने। पर नहीं, कल रात को तो आप प्राची पे भरोसा कर रही थी। जो पूछा गया है उसका जवाब दो, क्या प्राची सच में सिद के बच्चे की माँ बनने वाली है? तुम्हें रिया से ये सवाल पूछने की जरूरत भी क्यों है पल्लवी? तुम्हें रिया की बात पे भरोसा होना चाहिए। तुमने भरोसे को समझ के क्या रखा है? तुमने कुछ कहा मैंने तुम्हारी बात मान ली, रिया ने कुछ कहा मैंने उसकी बात मान ली, ऐसे नहीं होता ना आलिया। भरोसा करने के लिए कोई वजह भी मिलनी चाहिए। एंड यू, तुमसे किसी भी बात का वेट नहीं होता। अगर मैं तुमसे कुछ करने के लिए कह रही हूँ तुम सीरियसली क्यों नहीं लेती मुझे? बस हर वक्त अपनी मनमानी करनी है, वही करना है जो तुम्हें ठीक लगे, और फिर कंप्लेन करने लगती हो, शिकायतें करती हो कि कोई मेरी फेवर में बात क्यों नहीं करता है। कुछ चाहिए था मम्मी जी आपको? मैं चाय लेने आई थी। मौवा कहाँ है? अब बाजार गई है। मैं बना के लेकर आती हूँ आपके लिए। ठीक है। हवा उल्टी दिशा में चल रही है, जरा संभल के रहो। कैसे रहूं संभल के पल्लवी, तुमने जो साथ छोड़ दिया हमारा। धीरे बोलो, तुम दोनों से ना तो बात ही नहीं करनी चाहिए।
अब नर्स दिमाग के डॉक्टर है क्या? दिमाग का इलाज करवाना था। नहीं नहीं मेरा नहीं, ये देखिए इसका इसका दिमाग का इलाज कराना था। देखिए इसकी हालत कितनी खराब है, शी नीड्स अ मेंटल ट्रीटमेंट। ये हमें हड्डियों के डॉक्टर किस दिन मिलेंगे? एक्चुअली बहुत जल्दी ना किसी की हड्डियां टूटने वाली है। ओह तुम्हें पहले पता है तुम गिरने वाली हो? नहीं वो तुम गिरने वाले हो, तुम्हें उठा के ऐसा पटकूंगी ना जब तुम चलोगे तो चट-चट की आवाज आएगी। अरे बाप रे फिर तो मैं हॉस्पिटल के लिए पुलिस की जरूरत है ब्रो, देख रहा है खुलेआम धमकी दे रही है मुझे। तेरी गलती है ना अबुक, और जो गाड़ी में मेरा कान खाती हुई है उसका क्या? प्लीज तुम लोग एक सेकंड बच्चों की तरह लड़ना बंद करोगे प्लीज, हम हॉस्पिटल में हैं और वैसे ही मैंने अपॉइंटमेंट ली, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं यार, हम और लेट हो जाएंगे। कम आराम से। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ क्या हुआ? आर यू ओके? कुछ नहीं, ठीक ठीक। तुम ठीक हो? या चलो। कहाँ ठीक हो तुम, झूठ बोल रही हो, तुम चल नहीं पा रही हो। मैं ठीक हूँ। तुम ठीक फिक नहीं हो प्राची, कम यहाँ। क्या कर रहे हो? इधर आओ। रणवीर क्या कर रहे हो? तुम जब भी गिरोगी ना मैं तुम्हें ऐसे ही बचाऊंगा। तुम ऐसे उठाते रहते हो इसलिए तो इतनी लापरवाह हूँ मैं। तुम चाहे से लापरवाही बोल लेकिन मैं इसे तुम्हारा भरोसा कहूंगा। चल लेट्स गो। ओप्स सॉरी। अब देर नहीं हो रही थी इसे, देखा तुमने? अरे क्या तुम रो रही हो? क्या हो गया, स्टैंड नहीं किया था क्या? नहीं मैं बहुत दिनों के बाद इन दोनों को ऐसे प्यार करते देख रही हूँ। तुम यहाँ नहीं थे ना तो दोनों बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे। तुम्हारे जितना नहीं देखा बट सब सुना था मैंने। पर ठीक है, वो कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। चले तुम तो बहुत भारी हो यार, देखने में तो हल्की लगती हो, क्या चक्कर है तुम्हारा? बढ़िया भारी है, दिमाग मोटा है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ उतार दो मुझे। उतार दूँ? हाँ उतारो। देखो सोच लो। हाँ सोच लिया, उतार दूँ तो मुझे। जैसी तुम्हारी मर्जी। आर्यन सच में लग गई क्या? अरे सॉरी यार सॉरी, देखो तुमने कहा तो मैंने छोड़ दिया, सॉरी। अच्छा सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, कान पकड़। ये तो उठा बैठा। देखो देखो मार अभी यार, हड्डी तोड़ेगी मेरी, हड्डी तोड़ेगी मेरी। अरे चला प्लीज, नहीं चला। इनके बच्चे को छोड़ूंगी नहीं मैं आज। नहीं मेरी आज वाली मीटिंग ना कल पे शिफ्ट कर देना। हाँ हाँ मैं पर्सनली उनसे बात कर लूंगा। अच्छा हुआ तुमने इतनी घटिया बात बोली है, अब तुम पर दया भी नहीं आएगी जब तुम्हें इस घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। हवा उल्टी दिशा में चल रही है, जरा संभल के रहो। कैसे रहूं संभल के पल्लवी, हमने जो साथ छोड़ दिया हमारा। धीरे बोलो। या सेंड मी द पेपर्स, मेल भी कर सकते हो, इट्स ओके। या थैंक्स बाय। अरे मम्मी जी आप ऐसे बाहर क्यों खड़ी है, आइए अंदर आइए। और क्या हुआ, आपके चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही। क्या कुछ नहीं बस ऐसे ही, वैसे तो सुबह सुबह आप एकदम एनर्जेटिक होती है, फ्रेश होती है, अभी देखिए आपका चेहरा लटका हुआ है, क्या प्रॉब्लम क्या है बताइए तो सही। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। देखिए सारी टेंशन मुझे अपने ऊपर ले लेनी है अगर आपने मुझे नहीं बताया तो। बताइए ना क्या बात है। अरे मैंने पल्लवी को बात करते हुए सुना। किससे? आलिया और रिया से। उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उनसे छुपकर कुछ बातें करना चाह रही थी। सच बताऊं विक्रम, मुझे फिर से डाउट लग रहा है कि पल्लवी प्राची के साथ है या नहीं। मम्मी जी बात यह है कि जब हम किसी चीज के होने का इंतजार कर रहे होते हैं ना तो अच्छे से ज्यादा बुरे ख्याल हमारे दिमाग में पहले आते हैं कि ऐसा हो गया तो, वैसा नहीं हुआ तो। लेकिन ये सिर्फ हमारे दिल में एक डर है कि कहीं कुछ गलत हो गया था, हमारे मन का वहम है और कुछ नहीं है। देखिए आप अपनी बहू पल्लवी पे भरोसा रखिए। हाँ माना कि वो बीच में रास्ता भटक गई थी और वो कभी कभी लोगों के बहकावे में आ जाती है, वो इजीली मैनिपुलेट हो जाती है। इसका मतलब रिया उसको मैनिपुलेट कर रही थी? नहीं नहीं नहीं, अब देखिए ना फिर से नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में है। अम्मी जी आप फिक्र मत कीजिए, पल्लवी जानती है वो क्या कर रही है,
और उसे पता है कि प्राची की प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है और ऐसे सिचुएशन में रिया का इस घर में रहना ठीक नहीं है, और बिल्कुल वैसा ही होगा, वो अपने फैसले पे कायम रहेगी। हाँ आप फिक्र मत कीजिए, किसी और की बात पे ना सही, एटलीस्ट आप मेरी बात पे तो भरोसा कीजिए। हो गया टेस्ट, हो गया, चलो चलते हैं, चलो। बुलाओ उन्हें, उसे खो जाने दो एक दूसरे के प्यार में। ये तुम्हें कैसे पता चलता है कि ये दोनों प्यार में खोए हुए? तुम अगर प्यार से देखोगे ना तभी तुम्हें समझ में आएगा प्यार। चलो हम कार में वेट करते हैं इनका, चलो चलो। ऐसी जगहों पे आना पड़ता है और कैसे लोगों से मिलना पड़ता है, और ऊपर से रिया की सुननी भी पड़ती है। एक बार ये काम हो जाए ना तो एक साथ रिस्पेक्ट वसूलूंगी उससे मैं। जीता मैं आलिया हूँ। मैं कालिया। जीता कहाँ है? जीता भाई से मिलना है। देखो बैठिए एकदम बढ़िया। जीता मैं आलिया। लिफाफा लाइयो। ये सिद्ध है, आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये घर वापस आएगा, इसे वहीं खत्म करना है। अकेला होगा ना, साथ में कोई होगा तो नहीं? अकेला होगा इसलिए इसे मारने में आसानी होगी। काम हो जाएगा, इसकी फोटो मेरे मोबाइल पे भेज दो। इसकी मौत एक एक्सीडेंट लगनी चाहिए घर पहुंचने से पहले। हो जाएगा। कालिया। अब क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा था तुम और मिली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। मिली तुम्हें मिली कैसे? मिली का दिमाग खराब था, दिन खराब था, जो तुम्हें अपना दिल दे बैठी। उसने मुझ में वो देखा जो तुम्हें नहीं दिखा। क्या? वही जो मैं हूँ। क्या हो तुम? Hot and handsome. ये तो वही बात हो गई, जैसे हर दूसरी लड़की का नाम प्रिया और पूजा होता है ना, वैसे दिल्ली में हर दूसरा लड़का हॉट और हैंडसम होता है। तुम जो दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना वो तो करो ही मत, क्योंकि इसे मैं रोज इग्नोर करती हूँ। ओह हेलो, मेरी बात अलग, ठीक है? I am different, alright? तुमने अगर अपनी शक्ल नहीं देखी हो ना तो इस साइड मिरर में देख लेना, तो अपनी शक्ल तो देखेगी और दो तीन लड़के भी आते दिख जाएंगे पीछे से हॉट एंड हैंडसम। तुम चैलेंज में होगे, ना तुम अपना ये दिल खो दोगे, मैं यहाँ से सब छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा ना, बैठ के रोगे, समझे? ये लोग आए क्यों नहीं अभी तक? हमसे पहले निकले थे, गाड़ी लेके आए भी नहीं। ला रहे होंगे। अरे तो तब तक क्या हम यहाँ वेट थोड़ी करेंगे? तो मैं कॉल करता हूँ उनको।
पैर क्यों कुचला तुमने? हाँ तो तुम्हारा फोन कब से बज रहा है, तुम सुनी नहीं रहे हो? अरे तो फोन नहीं सुनूंगा तो पैर पे मारोगी? बिल्कुल सही कहा, पैर पे नहीं तुम्हारे कान पे लगाना चाहिए था। अरे पर मारना क्यों है, मुंह से बात नहीं कर सकती क्या? मेरा पैर। अरे ये लोग फोन नहीं उठा रहे, पार्किंग में कुछ हो तो नहीं होगा? क्योंकि अक्सर यहाँ पे दिल्ली में ना पार्किंग में बहुत दिक्कत होती है, जाके देखेगा? मुझे ना डर लग रहा है, ये शाना ना पागल है, आर्यन के साथ लड़ ना रही हो। ये भी हो सकता है। एग्जैक्टली, चलो देख के आते। वैसे मैंने तुम्हें फोन आने पे नहीं मारा है, तुम क्लोज आए थे ना इसके लिए मारा था। What? हाँ, तुम किसी लड़की के नजदीक आओगे वो खड़ी देखती रहेगी और तुम्हें खड़ा रहने देगी। अरे तो छोटी बच्ची हो क्या तुम? तुम्हें गोद में उठा के पास खींचा मैंने? नहीं ना। पर खींचा तो था ना तुमने? वो तो गाड़ी जा रही थी वहाँ से, तुम्हें बचाने के लिए खींचा मैंने। अच्छा? गलती हो गई। कौन सी गाड़ी जा रही है, जरा दिखाना कहाँ जा रही है गाड़ी जो तुमने मुझे पास खींच लिया। और दूसरी बात, ये जो तुम शाहरुख खान वाले डायलॉग मेरे कान में बोल रहे थे उसका क्या? वो मैं बस मैं बोल रहा था कि मैं क्या? हाँ सब समझती हूँ मैं, लड़की अकेली देखी नहीं कि सीधा चांस मारना शुरू हो गए? और चांस नहीं, तुम तो डायलॉग भी मार रहे थे, वो भी मेरे कान के पास। ओ हेलो, कुत्ता पालो बिल्ली पालो, गलत सही मत पालो, और पालो भी ना तो पाल पोस के इतनी बड़ी मत करो। तुम्हें लगता है मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, तुम्हारे क्लोज आना चाहता हूँ? प्लीज, ठीक है, इतनी भी अट्रैक्टिव नहीं हो तुम। मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ? तुमने कहा था ना दिल्ली में हर दूसरा लड़का हॉट एंड हैंडसम होता है, लड़की नहीं तो खुद को मत गिनो उसमें। हाँ तो बिल्कुल सही कहा था, दूसरा लड़का हॉट एंड हैंडसम होता है, पहला तो चिपकू ही होता है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह चिपकू। मैं चिपकू तो तुम चढ़ू। मैं चढ़ू? हाँ तुम चढ़ू। तुम्हारी हिम्मत कैसे चढ़ू बोलने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आ रही जान ले अरे लड़कियों को नहीं मारते यार, नहीं लगते लड़के। चिपकू बोला बोला तो क्या हो गया यार, मैं चिपकू नहीं हूँ। अच्छा इससे मुझे सड़ू बोला? बोला कि मैं हैंडसम नहीं हूँ, मैं हैंडसम नहीं हूँ। मुझे बोला कि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ। समझ के समझ के तुम दोनों का झगड़ा समझ। लो लो बहुत लड़ो, लेकिन यहाँ मत लड़ो, घर के अंदर लड़ो, यहाँ दुनिया देख रही है, हॉस्पिटल के बाहर कौन लड़ाई करता है? पहले इससे बोल कि मैं। हाँ तू हैंडसम है, इसे क्यों बोलूं? मैं तुझे बोल रहा हूँ भाई, तू दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान है, पूरे प्लेनेट अर्थ में नहीं कोई देख लेता हैंडसम। और तू दिल्ली होशियारपुर, तेरी जैसी खूबसूरत लड़की पूरी दुनिया में नहीं है। देखा तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे हो यार, मतलब तुम्हें लड़ने की जरूरत ही नहीं है। जो शांत रहते हो ना, कितने प्यारे लगते हो। यस यस यस, यू बोथ आर द बेस्ट। एंड नाउ प्राची नीड्स टू रेस्ट। ओके तो हम चले, चलो इधर आ जा, मैं लड़ने वाला हूं। नहीं यार, चलो 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 चलो, आ जा रे, बैठ, गुड बॉय, कम 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 कम, गाड़ी चलाएगा? अच्छा हाँ तू चला। नहीं नहीं नहीं, लड़ना नहीं है। वैसे ये जो झगड़ा था शुरू कैसे हुआ? ये मुझे अपने पास ले आया था। ओह, अब चले गया, थोड़ा और पास आना बाकी रह गया। आइए आप यहाँ आराम से बैठ जाइए, बैठिए। अरे इस तरह क्यों बिठा रहा है, पेशेंट थोड़ी ना हूं, खुद बैठ जाऊंगी। पेशेंट आप नहीं मम्मी जी, पेशेंट तो मैं, और मुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं, मुझे बस आपकी गोद चाहिए। मैं बस यहाँ बैठकर आराम से अपना सर रखना चाहता हूँ। अरे क्या हुआ तुझे, अभी तक तो ठीक था तू? आप मेरी बात कर रही है? मैं तो इस घर के बारे में सोच रहा हूँ कि इस घर को क्या हो गया है। वहाँ रिया को प्राची पे डाउट है, यहाँ आपको पल्लवी पे डाउट है। वहाँ रिया ने प्राची के खिलाफ सबूत पेश किए हैं, मैं सोच रहा हूँ कहीं आपने भी पल्लवी के अगेंस्ट जाके ऐसा कुछ किया तो। नहीं मतलब मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, और आपके नजरिए से अगर सोचा जाए तो ये भी ठीक ही होगा। मतलब पुत्र? मम्मी जी ये बात सबको पता है कि पल्लवी ने प्राची को कभी पसंद नहीं किया, तो फिर अचानक उसे क्या हो गया, अचानक ये चेंज ओवर क्यों, अचानक क्यों उसने प्राची को अपनी बहू मान लिया? वो प्रेग्नेंट है इसीलिए, इसका मतलब पल्लवी को सिर्फ रणबीर के बच्चे से प्यार है, तो फिर प्राची के लिए क्या है? और ऊपर से अब रिया ने प्राची के खिलाफ सबूत पेश किया, तो ये देखकर तो एक अजीब सा शक मन में पैदा हो गया है। एक काम कर, उठ और ऑफिस जा, थोड़ा ऑफिस का काम कर, आया बड़ा शक करने वाला। और तुझे ना प्राची पे शक करने का कोई हक नहीं है, और एक बार प्राची ने कह दिया कि रणबीर उसके बच्चे का बाप है तो है, इससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता। आप मुझे गलत समझ रही है। नहीं मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ, पर मैं ना तंग आ चुकी हूँ पल्लवी की सोच से, रिया की सोच से, आलिया की सोच से, और अब तेरी सोच से। मुझे ना तुम किसी से भी बात नहीं करनी है। अरे मम्मी जी। क्या हुआ मम्मी जी? हवा उल्टी दिशा में चल रही है,
जरा संभल के रहो। कैसे रहूं संभल के पल्लवी, तुमने जो साथ छोड़ दिया हमारा। तू मुझे बता कि क्या हो रहा है, तूने रिया से क्यों पूछा कि सिड प्राची के बच्चे का बाप है या नहीं, क्यों पूछा उससे? तूने प्राची को अपनी बहू मान लिया ना, उसे आशीर्वाद दे दिया, उसकी गोद भराई हो गई, सबको बुला के बता दिया कि वो रणबीर के बच्चे की माँ बनने वाली है, उसके बाद भी ये सब क्यों? अगर तुझे रिया से ही पूछना था कि सच क्या है और झूठ क्या है, तो प्राची पे भरोसा करने की जरूरत ही क्या थी? क्यों किया उस पे भरोसा? हाँ, इस तरह डबल ढोलकी बन के क्यों बज रही है?